हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे सामान्य अध्ययन श्रृंखला भाग 54 के बारे में। ठीक है, अगर हम भाग 54 के बारे में बात कर रहे हैं तो यानी कि भाग 53 तक पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं और आप लोग इस ये श्रृंखला का आनंद लीजिए और इसे नोट्स बनाते रहिए जो आपको प्रत्येक एग्जाम में मदद करेगा। ठीक है, अभी जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें आप देख लीजिए बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं और जो आने वाले हैं उसमें भी बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को इसी जीएस श्रृंखलाओं से देखने को मिलेंगे। आप लोग इसका आनंद लीजिए और नोट्स बनाते रहिए, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। और हम लोग जो इसी जीएस श्रृंखला का तैयार किया जा रहा है वो आपके जो UP RO AR O का एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, उसके लिए विशेष तौर से तैयार किया जा रहा है। जो लोग RO AR O का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वो लोग जरूर से ज़रूर जुड़ जाए। और चलिए हम लोग बात करते हैं सामान्य अध्ययन श्रृंखला भाग 54 के बारे में। आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा, इस शब्द का, निगेटिव वर्ड का, नहीं तो आप लोगों का प्रश्न जो है हमेशा 100% वो गलत होने वाला है। ठीक है, तो इसका हमेशा ध्यान दीजिएगा। दीवाने मुश्ताक राज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने आमिर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने खैरत फिरोज तुगलक, दीवाने रियासत बलबन। ठीक है, ये आपका विभाग है और इसमें बताना है कि कौन सा विभाग है जो उसके सुल्तान से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो दीवाने मुश्ताक राज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ये आपका बाजार नियंत्रण से संबंधित था। ठीक है, मुश्ताक राज आपका, चलिए हम लिख देते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले हम लिखते हैं दीवाने मुश्ताक राज इसकी स्थापना किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और यह संबंधित था आपका दीवाने मुश्ताक राज राजस्व विभाग से। यह था आपका राजस्व विभाग। ठीक है, इस तरह से हम आपको बता देते हैं कौन सा किससे संबंधित था। ठीक, दीवाने वैसे आपका ये है, अब दीवाने रियासत की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दीवाने आमिर कोही। आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना किया था, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तुगलक। और ये जो था देखेंगे कि ये आपका कृषि से संबंधित था, कृषि विभाग। ठीक है, कृषि विभाग था ये। ठीक, फिर उसके बाद दीवाने खैरात के बारे में तो हम लोगों ने बात किया है। ठीक है, फिरोज तुगलक है इसकी स्थापना करने वाले, फिरोज तुगलक। और यह था आपका देखेंगे कि दान विभाग। ठीक है, फिर इसके बाद दीवाने रियासत जो है आपका, ये भी आपका अलाउद्दीन का है, अलाउद्दीन खिलजी का है। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन करते चलिए। इस तरह से आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनते हैं क्योंकि मध्यकालीन भारत में इन सभी चीज़ों से, विभागों से प्रश्न बन ही जाते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी यह था बाजार नियंत्रण विभाग। ठीक है, इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चलिए। फिर आता है दीवान-ए-अर्ज। ठीक है, इसकी स्थापना बलबन ने किया था। ठीक है, दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने किया था और क्या था, सैन्य विभाग। ठीक, इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चलिए और आप लोगों को इससे बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे प्रत्येक एग्जाम में। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछ लिया जाता है और या तो आप लोगों को मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इस सब चीज़ों से नोट डाउन करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आपका अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, इसको इस तरह से पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है या कौन सा कथन सही नहीं है। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आमिल नामक अधिकारी का कार्य राजस्व वसूली का था। ठीक है, आमिल, ठीक है, तो आमिल का जो कार्य था वो राजस्व वसूली का ही था। देखेंगे कि जो राजस्व वसूला जाता था उसके लिए एक अधिकारी को बनाया जाता था आमिल गुजारी करके, तो उसका जो नाम पड़ा आमिल, उसको राजस्व अधिकारी बोला गया। ठीक है, कि वो राजस्व को वसूल करे। एकता व्यवस्था का प्रचलन भारत में इल्तुतमिश के शासनकाल में हुई। ठीक है, एकता व्यवस्था किसके शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में। ये भी आपका सही है कि इल्तुतमिश ने भारत में एकता व्यवस्था का प्रचलन किया था। और एकता व्यवस्था में यह था क्या, देखेंगे कि भूमि का बंटवारा कर दिया जाता था, उस भूमि पर एक मालिक को, भूमि को पर एक मालिक बैठा दिया जाता था, और वो मालिक जो है उस भूमि को के लिए जितने भी कार्य हो सकते थे, और उसे जो फसलें उपज होती थी, उपज का उत्पादन जो होता था उसका जो राजस्व देना पड़ता था। ठीक है, तो भूमियों को एकता के रूप में व्यवस्थित करके मालिकों को बांटा गया था और उनका मालिक बनाया गया था, तो उसका जो प्रचलन किया गया इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था भारत में। ठीक है, सल्तनत काल में सूबेदार सिर्फ एक परगना, ठीक है, सूबेदार दे दिया और एक परगना दे दिया, तो मान के चलिए कि इस तरह के अतिवादी प्रश्न जो होते हैं वो अक्सर ही गलत हो जाते हैं, और ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो गया, क्योंकि सल्तनत काल में हर एक प्रांत में सूबों का निर्माण किया गया था। ठीक है, सूबों में बटा हुआ था, हर एक जो प्रांत था वो आपके सूबों में बटा था, या आप देख इस तरह से कह सकते हैं कि एक राज्य में सूबों को में उसको विभाजित किया गया था, और सूबों के मुखिया को सूबेदार बोला जाता था। ठीक है, और उसी उन्हीं सूबों में आप देखेंगे कि परगने होते थे, फिर उसके बाद परगने आते थे, फिर उसके बाद छोटी इकाई आती, गाँव को ग्राम बोला जाता था, तो ग्राम को कुछ वहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया उसका याद नहीं आ रहा है, और फिर उसके बाद चकला शब्द का प्रयोग किया गया परगना के बाद में कालांतर में चकला शब्द, तो चकला शब्द जो है आप देखेंगे कि परगना के में के बाद आता था। तो इस तरह से सूबे थे, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि सरकार थे और सरकारों के अधीन परगना थे, परगना के अधीन एक छोटा सा वो आता था कि गांव वाले होते थे, तो गांव को वो नाम याद नहीं आ रहा कि गांव को लोग क्या बोलते थे, फिर उसके बाद गांव से फिर एक छोटा सा और बनाते थे सब, तो उस तरह से वहां पर चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो अगर कभी प्रश्न पूछे तो जो क्रम पूछता है, सूबेदार हो गया, सूबा हो गया, सरकार हो गया, परगना हो गया, यही तीन बात के बारे में पूछता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न हम देखेंगे कि यूपी पीसीएस में शायद पूछा था सूबा परगना सरकार के बारे में कि वो कौन सा क्रम है। ठीक है, आईएएस में शायद पूछा था इस तरह से, तो उसमें आप देखेंगे कि सूबे, फिर उसके बाद सरकार, फिर उसके बाद परगना। ठीक है, इस तरह से होता था। फिर उसके बाद देखिए कि मीर बख्शी सैन्य विभाग का अधिकारी था, ये आपका एकदम सही है कि मीर बख्शी जो है वो सेनापति के रूप में कार्य करता था दिल्ली सल्तनत में। तो इन सारी बातों को आप लोगों को ध्यान दीजिए और इसको नोट्स बनाते रहिए और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में अधिकांश आमिर व सुल्तान, सल्तनत काल के अधिकांश आमिर व सुल्तान किस वर्ग से आते थे या किस वर्ग के थे, तुर्क थे, मंगोल थे, अरब थे। मंगोल तो आप देखेंगे कि मंगोल में जो चंगेज खां था, चंगेज खां के वंशज से बाबर आता था, तो मुगल काल का बात हो गया। और तुर्क और अरब में सबसे पहले कौन आए थे, तो अरब मुसलमानों के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में वो अरब था। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि सुबुक्तगिन आया था, शायद अलप्तगिन का भतीजा था कि बेटा था, ठीक है, उत्तराधिकारी था अलप्तगिन का, तो वहाँ पर सुबुक्तगिन जब आया तो वो था आपका तुर्क। ठीक है, तो वो तुर्क मुसलमान था, तो इसीलिए आप देखेंगे कि भारत में जो आमिर और सुल्तान हैं वो सबसे ज़्यादा तुर्क देखने को मिलते हैं, तुर्की राजवंश से संबंधित हैं। ठीक है, तो आप लोग इन सब चीज़ों को नोट डाउन करते चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है, वैसे तो
ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत का मुख्य न्यायाधीश हटा सकता है या संसद उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता शक्ति का विस्तार नहीं कर सकती है। उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर आधारित। वैसे ऑप्शन पढ़ने पर तो लग रहा है कि ये कथन इसमें से प्रश्न बनना चाहिए कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो इस तरह से आप मान के चलिए कि भारत के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत का मुख्य न्यायाधीश हटा सकता है, ये ऑप्शन ही आप लोगों का गलत है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय में जो सदस्य न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारण करता है वो है आपका संसद, और उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वो है आपका राष्ट्रपति, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो अपना प्रतिवेदन त्याग पत्र किसे देते हैं, वो भारत के राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए वहाँ पर आप देखेंगे कि महाभियोग की प्रक्रिया लागू की जाती है, ठीक है। अनुच्छेद 124 के तहत आप देखेंगे कि अनुच्छेद 124 चार के तहत है शायद, ठीक है, चार के तहत वहाँ पर संसद जो है किसी न्यायाधीश पर अक्षम या अयोग्य या अपने कार्य में असमर्थ है तो उसके आधार पर एक प्रतिवेदन तैयार करती है अनुच्छेद 124 चार के तहत, ठीक है। उस प्रतिवेदन को राष्ट्रपति को सौंपती है। तो अनुच्छेद 124 पाँच में आप देखेंगे कि वहाँ पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है न्यायाधीशों पर। तो वहाँ पर जो न्यायाधीशों की जो हटाया जाएगा वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा इन सारी प्रक्रियाओं के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाता है। संसद उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता शक्ति का विस्तार नहीं कर सकती है, ठीक है, राज्य सूची पर, ठीक है, कहाँ पर, राज्य सूची के संदर्भ में, राज्य सूची के संदर्भ में यह उच्चतम न्यायालय का अधिकारिता शक्ति उसको विस्तार किया जा सकता है। अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद हम आपको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अनुच्छेद 138 है, ठीक है, अनुच्छेद 138 में यह प्रावधान किया गया है। अगर उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारत होता है, ये आपका ऑप्शन सही है, ठीक है, कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो वेतन है अगर भारत की संचित निधि पर है, ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी तो गलत सत्य नहीं हो सकते, लेकिन बाकी एक का जो है कि भारत संचित निधि पर भारत है प्रशासनिक व्यय, वो आपका ऑप्शन सही है, बाकी दो गलत हैं, ठीक है। तो हमने आप लोगों को एकदम विस्तार से बताया कि किस प्रकार से प्रक्रियाएं होती हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए, और पिछले लेक्चर में ही आप देखेंगे कि हमने वहाँ पर बातें की गई हैं वो सारी बातें, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, यानी कि किस न्यायालय में वकालत कर सकते हैं सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होने के बाद, ठीक है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हाँ सुप्रीम कोर्ट की बात ये है, तो आप लोगों को इस ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात, रिटायर होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कहाँ पर वकालत कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में नहीं, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय दोनों में। तो यहाँ पर आप लोगों के कंसेप्ट समझने का प्रयत्न किया करना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत का एक प्रधान न्यायालय माना जाता है, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी न्यायालय नहीं है। तो यहाँ पर वहाँ से जो रिटायर होगा वो कहीं भी वकालत नहीं कर सकता, ठीक है। तो कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद कौन सा है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 124-7, ठीक है, अनुच्छेद 124-7 में यह प्रावधान किया गया है कि से रिटायर होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहीं पर भी भारत में वकालत नहीं कर सकेंगे, ठीक है। इस तरह से न्यायाधीशों के बारे में बात किया जा रहा है। फिर उसके बाद एक बात ध्यान दीजिए कि अनुच्छेद 220 यह आपके हाई कोर्ट के बारे में प्रावधान करता है, ठीक है, उच्च न्यायालय।
तो यहाँ पर दो बातें आप समझ जाइए कि उच्च न्यायालय से रिटायर कोई न्यायाधीश है तो वो भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकता है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकता है, उच्च न्यायालय में भी जा सकता है, लेकिन वो चीज़ें जो है वो सुविधा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नहीं दी गई है कि आप रिटायर होने के बाद कहीं पर भी वकालत कर सकेंगे, लेकिन वो सुविधा आपके हाई कोर्ट को है, ठीक है। अनुच्छेद 220 के में यह प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय के कोई भी रिटायर्ड जो न्यायाधीश हैं वो कहीं पर भी वकालत अपनी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 124(7) में यह दिया गया है कि रिटायर होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कहीं पर भी वकालत नहीं कर सकेगा। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए, ये बहुत ही शानदार प्रश्न था। इस तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि कौन से न्यायाधीश जो हैं कहाँ पर वकालत कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। मान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ पर एक मुख्य न्यायाधीश है और मुख्य न्यायाधीश बीमार पड़ जाता है और उस दिन कार्यवाही कैसे की जाएगी, तो वहाँ पर जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है उसके द्वारा जो अनुपस्थित रिक्त स्थान है उस पर एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, तो वही पूछा जा रहा है कि वो किसके द्वारा किया जा रहा है। तो अनुच्छेद 126 है, अब ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 126, ठीक है, 126 के तहत कहा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी अगर वहाँ पर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, ठीक है। तो किसी कारणवश से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो वहाँ पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जाएगी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी अनुच्छेद 126 के तहत, ठीक है। और जो भारत में जो पदाधिकारी है, बड़े बड़े मंत्रियों की नियुक्ति, जो मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, लोकसभा आयोग, संघ लोकसभा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति, ये सारी नियुक्तियाँ जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, फिर उसके बाद भारत के महान्यायवादी, इन सारी नियुक्तियों का जो प्रावधान है, ये सारे के सारे जो नियुक्तियां हैं वहाँ पर इंक्लूड कर लीजिए राज्यपाल की नियुक्ति, वो सारी चीज़ें जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। नियुक्तियों में राष्ट्रपति का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। युग्म के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है, इस तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं और इस तरह के प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि पैटर्न धीरे धीरे प्रश्न पूछने का तरीका जो है संस्थाओं का वो बदल रहा है धीरे धीरे, तो आप लोगों को इस तरह के प्रश्न हल करने चाहिए और इससे आप लोगों के 4-5 प्रश्न क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आप लोग हल करिए और अपने नोट्स में इसको दर्ज करते रहिए, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि इससे बहुत ही ज़्यादा इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एस्किमो, कनाडा, माओरी, न्यूजीलैंड, सेमांग, भारत, पूर्व, ब्राज़ील, तो ये जनजातियों के नाम है और जनजातियों का लोकेशन पूछा जा रहा है कि किस देश में अवस्थित हैं। तो एस्किमो कनाडा में होती है, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है कनाडा। माओरी न्यूजीलैंड यानी कि ओशनिया महाद्वीप में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे पापुआ न्यूगिनी, ये सारे देश आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के नीचे देखेंगे तो न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति, सेमांग जो जनजाति है, या का भारत में नहीं, बोरो ब्राज़ील। तो आप इसको इस तरह से मत समझिएगा कि ये बोडो लिखा हुआ है, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ये सारे भारत में पाए जाते हैं, लेकिन बोरो जनजाति जो है ब्राज़ील में पाई जाती है, सेमांग जो जनजाति है वो आपके मलेशिया में पाई जाती है। सेमांग यह जनजाति जो है आपका मलेशिया में पाई जाती है, ठीक है, मलेशिया। और मलेशिया देखेंगे कि अरब सागर करें वहाँ पर बंगाल की खाड़ी में यह द्वीप पाया जाता है, ठीक है। मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, ये सारे आपके आसपास के देश हैं। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चलिए कि ये जनजातियों से भी आप लोगों के, और भारत की जनजातियों के बारे में बात करें तो भारत में तो बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, हर एक राज्य में बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो उससे कोई विशेष प्रकार की जनजाति भारत में नहीं है। और उस तरह से आप लोग देखिए कि बहुत सारी जनजातियाँ जो हैं विशेषताएँ यहाँ पर रखती हैं, इसलिए हम भारत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर ये सारी चीज़ें नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि डेविस जल संधि,
ठीक है, सबसे पहली बात तो जल संधि क्या होता है वो आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि डेविस जल संधि किन दो देशों के मध्य अवस्थित है, किन दो देशों के मध्य डेविस जल संधि अवस्थित है। तो आप देखिए कि ये आपका ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य में अवस्थित है। पहले आप लोग जान लीजिए कि जल संधियाँ क्या होती हैं, ठीक है। जल संधि क्या होती है? जल संधि का अर्थ ये होता है कि यह दो बड़े भूखंडों को वह जल का एक जल की एक सकरी जल राशि होती है ये, ठीक है, जल की एक सकरी जल राशि, सकरी जल राशि, जो जल राशि जो दो भूखंडों को अलग करे, दो भूखंडों को खंडों को अलग करे, ठीक है, अलग करे साथ ही अलग करे साथ ही दो जल राशियों को जोड़े, साथ ही दो जल राशियों को जोड़े, तो उसे क्या कहते हैं? उसे जल संधि कहते हैं, ठीक है, जोड़े उसको जल संधि कहते हैं। यानी कि दो भूखंड है उसके बीच से गुजरे और दो जल सागरों को जोड़े, ठीक है। तो इसमें बताना है कि डेविस जल संधि कहाँ पर अवस्थित है, तो ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन करिए कि जल संधि क्या होती है। और चलिए हम इन चारों देशों के मध्य जो हैं और यहाँ पर कौन से महासागर जुड़ते हैं और कौन से देश यहाँ पर किससे जुड़ते हैं, पहले हम इंग्लैंड फ्रांस की ही बात करते हैं। नहीं तो चलिए पहले हम डेविस जल संधि की बात करते हैं, डेविस जल संधि, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डेविस जल संधि, ठीक है, इसको इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चलिए तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। यह ग्रीनलैंड व कनाडा के मध्य में है। ग्रीनलैंड आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ठीक है, और यह आपके उत्तरी भाग में पाया जाता है, पृथ्वी के उत्तरी भाग में, ग्रीनलैंड व कनाडा। तो ये दो भूखंड अलग हुए, ठीक है, कनाडा भूखंड अलग हुआ और ग्रीनलैंड का भूखंड अलग हुआ, और इनके मध्य में आपका डेविस जल संधि है। कौन कौन से सागर यहाँ पर जुड़ते हैं और देखिए कि ग्रीनलैंड और कनाडा में डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी व यहाँ पर है बेफिन की खाड़ी, व अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक, वैसे उत्तरी अटलांटिक महासागर होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिर्फ महासागर लिख रहे हैं तो आप लोग उत्तरी अटलांटिक महासागर लिखिएगा क्योंकि आपका उत्तर में ये पड़ता है। फिर उसके बाद देखिए इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य पाया जाता है डोबर जल संधि, ठीक है, डोबर जल संधि, ठीक है। डोवर और डेविस में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो आज आप लोग अपना कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए कि डेविस जल संधि कहाँ है और डोवर जल संधि कहाँ है, ठीक है। तो डोवर जल संधि जो पाया जाता है देखिए कि इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य में, इंग्लैंड व फ्रांस। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अलग होती हैं, ये तो आप मान लीजिए कि भूखंड हो गए, अलग हो गए, और कौन सी जल संधियाँ जुड़ती हैं, इंग्लिश चैनल है और आपका उत्तरी सागर है, इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर, ठीक है, नॉर्थ ओशियन उत्तरी सागर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चलिए। तो आप देखिए कि जो अगली जल संधि है वो है आपका ताइवान और फिलीपींस में, कौन सी जल संधि है, लुजोन जल संधि, ठीक है, कौन सी, लुजोन जल संधि,
लुजोन जल संधि पाया जाता है आपका ताइवान व फिलीपींस के मध्य में, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ताइवान व फिलीपींस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करिए और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। और इसे कौन सी जल, जो जल मान चले कि जल राशियाँ अलग होती हैं, दक्षिणी चीन सागर व फिलीपींस सागर, ठीक है। यहाँ पर कौन सी जल संधियाँ जल राशि है, दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर व फिलीपींस सागर, ठीक है। इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चले, तीन संधियाँ हो गई। और संधियों से आप लोग अपने नोट्स में सूची बनाइए, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं और हर एक एग्ज़ाम में आप लोगों को प्रश्न मिल जाएंगे। नहीं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर सुझाव दीजिए या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो आप लोगों को PDF भी मिल जाएगा और ये सारी जो जल संधियाँ वो भी आप लोगों की कंप्लीट करा दी जाएंगी। और मेक्सिको क्यूबा के मध्य में जो अवस्थित है यूकाटन जल संधि, यूकाटन जल संधि, यूकाटन जल संधि, इस तरह से आप लोग लिख लीजिए। यूकाटन जल संधि कहाँ पर जाता है, मेक्सिको व क्यूबा, ठीक है। स्पेस कम है तो थोड़ा सा आप लोगों को देखने में परेशानी हो रही होगी, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड ही हमारा छोटा सा है तो क्या किया जाए, ठीक है। मेक्सिको व क्यूबा, तो इसमें जो जल संधियाँ अलग होती हैं, मेक्सिको की खाड़ी है और कैरेबियन सागर है, ठीक है। मेक्सिको की खाड़ी व कैरेबियन सागर, ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी सहयोग कर दे तो हम लोग आगे सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आते, बड़े बड़े बोर्ड से कैरेबियन सागर, फिर हम लोग उस तरह से संसाधन बनाते अपने लिए और आप लोगों के लिए। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग नोट करिए और अपना सहयोग प्रदान करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इस शब्द का हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछा जा रहा है, नेगेटिव कि पॉजिटिव। बालखस झील कजाकिस्तान, ओनेगा झील रूस, आयर झील ऑस्ट्रेलिया, अथावास्का झील केन्या। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये विश्व की झीलों के बारे में दिया गया है और विश्व की झीलों से प्रश्न पूछता है। अमेरिका का तो एकदम क्रमबद्ध पूछ लेता है कि उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। उसमें आप देखेंगे कि पांच झीलें हैं अमेरिका की, कनाडा से लेकर अमेरिका में पड़ते हैं, मिशिगन, एरी, ओंटारियो करके। तो उन सभी झीलों का आप क्रम पूछ लेते हैं। अफ्रीका के झीलों में पूछ लेता है विक्टोरिया झील, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि एक मलावी झील करके है और एक चाड झील करके है। तो इस तरह से एक दो झील और ही हैं अफ्रीका की, तो उन सभी चीज़ों से पूछ ले प्रश्न पूछते हैं। कैस्पियन सागर से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। रेड सी से, ये सारे आप लोगों के झील हैं, ठीक है। इनसे सटे हुए देशों के बारे में पूछ लिया जाते हैं। तो आप लोग नोट बनाइए और नोट्स में एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग उसको नाम लिखिए, फिर उसके बाद एकदम डिजाइन के द्वारा उसको दर्शा लीजिए, या आप लोग सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, ठीक है। बालखस झील आपका कजाकिस्तान में है, ओनेगा झील आप जानते हैं कि रूस में पड़ता है, आयर झील ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, अथावास्का झील आपका केन्या में नहीं पड़ता है, यह पड़ता है आपका आप देखेंगे कि कनाडा में, ठीक है। अथावास्का झील जो पड़ता है कनाडा में पड़ता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं अथावास्का झील, ठीक है। तो यह कहाँ पर है, कनाडा में है, ठीक है। केन्या में कौन सा, रुडोल्फ झील, रुडोल्फ झील, ठीक है, ये पाया जाता है केन्या में। और केन्या की जो सीमा है वो एक और झील से लगती है जिसका नाम विक्टोरिया झील है, और विक्टोरिया झील से आप देखेंगे कि केन्या, तंजानिया और युगांडा, ये तीन देश लगते हैं। और अफ्रीका के झीलों से आप लोग नोट्स बनाइए, क्योंकि उससे प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। चलिए आप लोग ये सारी चीज़ें नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ, मार्शल, किन्स, सैमुअलसन, ठीक है। तो चलिए आप ये जान ले, वैसे तो इसका नाम बहुत बड़ा है इस पुस्तक का, तो ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि वेल्थ ऑफ नेशन का
वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी है। तो हम बात करते हैं एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन की वहाँ पर लिखा है, और इन्हीं को देखेंगे कि अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है, ठीक है, एडम स्मिथ को, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने फ्री ट्रेड की पॉलिसी दिया था, ठीक है। एडम स्मिथ फ्री ट्रेड पॉलिसी जो होती है उसमें तीन चीज़ें बात की गई थी, उसमें हम नहीं जाएंगे, सिर्फ आप लोग ये जानिए कि उसमें दिया गया था कि कंपनियों को छोड़ दीजिए, खुला व्यापार करने के लिए दीजिए, फिर उसके बाद राज्य का उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर निजी स्वामित्व के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा था, ठीक है। और उससे जो व्यापार में बढ़ावा मिलेगा, वो प्रतिस्पर्धाएँ जो थीं वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर फ्री ट्रेड का मतलब यहाँ पर इस तरह से लिया गया था कि अगर कोई कंपनी जो है एक ही उत्पाद का उत्पादन दो एक ही जगह पर दो कंपनियां कर रही हैं एक ही, तो वहाँ पर जो प्रतिस्पर्धा जो है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वो अपने उत्पाद को वहाँ पर बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती हैं या दूसरे कंपनी को बदनाम करती हैं, इस तरह की। तो इसमें क्या कहा गया था कि अगर कोई कंपनी वहाँ पर उत्पाद बेच रही है कोई, तो उससे डिफरेंस उत्पाद जो है वो कंपनी दूसरी कंपनी उस वहाँ पर लेकर जाए, तो वहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिलेंगी तो जो व्यापार है वो सही ढंग से चलेगा, ठीक है। क्योंकि प्रतिस्पर्धा में देखेंगे कि हिंसात्मक गतिविधियाँ भी हो जाती थी, ठीक है। तो एडम स्मिथ की जो रचना है वेल्थ ऑफ नेशन, वैसे इस रचना का बहुत बड़ा नाम है, एक का मान के चले एक लाइन का तो नाम ही है इसका, तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं, तो सिर्फ आप, क्योंकि यही इतने तीन ही शब्द पूछा ही जाता है वेल्थ ऑफ नेशन। और आप लोगों को सिर्फ ये बताना कि ये इन चारों के बारे में कि इनके पुस्तकों का लॉन्चिंग कब हुआ था, कब प्रतिपादन किया गया था, ठीक है, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए या टेलीग्राम चैनल से जुड़कर बताइए। फिर उसके बाद मार्शल की अगर बात करें तो मार्शल की पुस्तक का जो नाम है आप देखिए कि वो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और तीसरी जो बात है और देखेंगे कि जे एम किन्स, इनका शायद जे एम किन्स नाम है, जॉन मेनार्ड किन्स, ठीक है, किन्स की पुस्तक का नाम जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। फिर सैम्यूलसन की अगर पुस्तक की अगर हम बात करें, सैम्यूलसन, ठीक है, इनकी पुस्तक का जो नाम है आप देखिए कि फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस, ठीक है, इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि इस तरह से प्रश्न पुस्तकों से आप लोगों के पूछ लिए जाते हैं। और इन लोगों इनका आप लोगों को सन बताना, किस सन में यह पुस्तकें लॉन्च की गई थी, ठीक है, ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि रऊफ नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है, ठीक है, रऊफ नृत्य भारत और राज्य, ठीक है, इनके बारे में बताना है कि रऊफ नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है। आप देखिए कि असम है, राजस्थान है, गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, रऊफ नृत्य आपका जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको इन राज्यों से संबंधित जो नृत्य हैं उसको हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। असम से आप देखेंगे कि बिहू नृत्य है, बिहू नृत्य यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। राजस्थान से देखिए जो फेमस है, हम वही आपको बात कर रहे हैं कि ये लोक कलाओं में आते हैं, बाकी तो बहुत सारे नृत्य जो हैं आपके संबंधित हैं, ठीक है। राजस्थान में आप देखिए कालबेलिया,
कालबेलिया जो नृत्य है, आप देखिएंगे कि यह नृत्य आपका सपेरा जनजाति से संबंधित है। सपेरा जनजाति कालबेलिया नृत्य, और इसका आप कभी यूट्यूब पर सर्च करके देखिएगा कि कालबेलिया नृत्य कैसा होता है। बहुत ही एकदम अच्छे तरीके से इसको किया जाता है। कालबेलिया है, फिर उसके बाद घूमर है, घूमर नृत्य है, ठीक है। और फिर उसके बाद गुजरात की अगर हम बात करें, गुजरात की गरबा, एक गरबा नृत्य आप लोग याद रखिए गरबा। और फिर उसके बाद टिप्पाणी, टिप्पाणी। और फिर उसके बाद अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर से आपका रौप नृत्य संबंधित है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए, लोक कलाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड 1975, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1984, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1979, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1974। ये आपके भारत की महारत्न कंपनियां हैं, और इनकी स्थापना बस पूछा गया है कि वह कब स्थापित की गई थी, ठीक है। तो जो भारत पेट्रोलियम है, इसकी स्थापना 1989 में न होकर 1977 में हुआ था, ठीक है। तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना जो हुआ था आपका 1977 में हुआ था। चलिए हम इनका स्थापना वर्ष और आपका मुख्यालय जो है वहाँ पर, अगर कोल इंडिया लिमिटेड को हम CIL लिखें, कोल इंडिया लिमिटेड, एक सेकंड, ठीक है। अगर CIL लिखें कोल इंडिया लिमिटेड, इसका भी वही हाल है। तो आप इस तरह से देखिए कि, ठीक है, CIL सारे मार्कर के हाल हुई है किसमें, ठीक है, CIL कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना आपका 1975 में हुई थी। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि GAIL, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय देखिए कि इसका मुख्यालय कलकत्ता में है, ठीक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। फिर उसके बाद भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय देखेंगे कि नई दिल्ली में है, नई दिल्ली, ठीक है। फिर उसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, ठीक है, HPCL का जो स्थापना हुआ था 1974 में हुआ था, और इसका भी मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। और इसके बाद अगर 1989 की अगर हम बात करें, इसमें था पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, तो PGCIL, ठीक है। इसका अर्थ होता था कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा सुनकर। इसकी स्थापना हुआ था 1989 में, और इसका मुख्यालय है आपका मुंबई में, ठीक है। तो ये भारत की आप देखेंगे कि महारत्न कंपनियां हैं, इन सारी कंपनियों से आप लोग नोट डाउन करते नोट्स बनाते रहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आप लोगों का आखिरी प्रश्न था, तो यहाँ पर जो GS श्रृंखला 54 है उसका भी पूरा कंप्लीट हो गया। तो इन GS श्रृंखलाओं से आप लोग आनंद लीजिए, और इस GS श्रृंखला का नोट्स बनाते रहिए, तो जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रत्येक एग्जाम में मदद करेगा, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन करते चलिए और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आता होगा, और आप लोग अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और सही तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी तरह से शानदार तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद।